अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फूडिस्टिक गर्ल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पीच स्पार्कल ड्रिंक की, और बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी और रिफ़्रेशिंग होती है गर्मियों में, स्पेशली आपके मेहमान आए तो आप उनको दें। एक यूनिक ड्रिंक भी है, और कोल्ड ड्रिंक दे देकर थक गए हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये आप लोगों को उसी वक्त बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग इसकी पेस्ट बनाकर रखना चाहें तो आप लोग इसको आराम से 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए जी, चलते हैं अपनी पीच स्पार्कल ड्रिंक की तरफ, और आपको बताती हूँ कि इसका बनाने का क्या तरीका है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनने वाली ड्रिंक है। यहाँ मैंने 3 पीच ले लिए थे, आड़ू ले लिए थे, और उनको इस तरीके से काट लिया था। वॉश करके अच्छे से इनको काट लें, और इसमें मैंने 3 आड़ुओं में 2 लेमन का जूस ऐड किया था, और इसमें मैंने ऐड की थी शुगर 3 to 4 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आप लोग अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसकी मैंने पेस्ट कर ली थी, पेस्ट बना ली थी और ग्राइंड करके, और ये देखिए अब मैं हर ग्लास में इसके 3 टेबल स्पून इस पेस्ट के डाल रही हूँ, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी आइस बर्फ ताकि हमारी ड्रिंक ठंडी ठार बन जाए। और अब कोई भी इसमें आप वाइट सोडा ऐड कर लें, वाइट ड्रिंक ऐड कर लें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत थोड़ी नासाज है इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर दुआ करेंगे। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।